संजना रोज करण के घर पहुंचने से पहले ही बिल्ली को खाना खिला दिया करती थी। उसने करण की कार नीचे खड़ी हुई नहीं देखी, ये सोचकर कि वो वापस नहीं लौटा है। वो अपने घर जाने से पहले बिल्ली को खाना खिलाने के बारे में सोचकर सीधे 12वें फ्लोर पर चली गई। लेकिन जैसे ही उसने करण के घर का दरवाजा खोला, उसे एक जोर का झटका लगा। वहां सिर्फ करण ही नहीं बल्कि युग भी था। युग को लगा जैसे उसे कोई भ्रम हुआ है, लेकिन दोबारा ध्यान से देखने के बाद उसे लगा कि उसे सब सही दिख रहा है। फिर उसने हैरानी भरी मुस्कान के साथ कहा, संजना क्या तुम दोनों? इतना कहकर वो करण की तरफ मुड़कर बोला, भाई मुझे तो जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा है। लेकिन करण के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आया। संजना ने हड़बड़ाहट में कहा, अब तुम कुछ गलत मत समझो, इस बिल्ली को मैंने और सनी ने बचाया था और फिलहाल इसे करण मिस्टर ग्रोवर के घर रखा हुआ है। क्योंकि वो रेगुलरली घर नहीं आते हैं, इसीलिए मुझे इसके खाना खिलाने की जिम्मेदारी दी है और इस वक्त मैं इसे खाना खिलाने के लिए आई हूँ। बिल्ली को खाना खिलाने? अच्छा बहाना है, युग ने दोनों को शक भरी निगाहों से देखते हुए सोचा। उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन दोनों के बीच कुछ चल ना रहा हो। क्या वो करण को अच्छी तरह से नहीं जानता था? अगर करण को संजना में इंटरेस्ट नहीं होता तो क्या वो ऐसे उसे अपने घर में घूमने देता? लेकिन राहुल मेहरा का क्या? जहां तक वो करण को जानता था, उसे पता था कि वो संजना से कुछ नहीं पूछेगा। उसने सोचा, बचपन का दोस्त होने के नाते क्यों ना मैं ही उस पर एक एहसान कर दूं। जब संजना किटी को खाना खिला रही थी तो योग उसके पास आया और उसने मुंह दबाकर हंसते हुए पूछा, वो आदमी कौन था जो तुम्हें अभी छोड़ने आया था? संजना उसका सवाल सुनकर दंग रह गई और उसने सोचा, कौन था वो? तुम्हें नहीं पता कौन था वो? फिर उसने उससे कहा, तुमसे ज्यादा गॉसिप करने वाला इंसान नहीं देखा मैंने। अब तुम ये नहीं कह सकती, मुझे तुम्हारी चिंता है इसीलिए पूछ रहा हूँ, युग ने दुख जताते हुए कहा। मैं सोच रहा था कि तुम्हारे और करण के बीच कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो नहीं सकता, इसीलिए अगर तुम्हें कोई और पसंद आ जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सही कहा ना? तो बताओ कौन था वो आदमी? युग की बातें सुनकर संजना का चेहरा सीरियस हो गया और वो बोली, अब ये कहना गलत होगा कि तुम नहीं जानते वो आदमी कौन है। क्या वो मिस्टर करण ग्रोवर की मंगेतर का बड़ा भाई नहीं है? युग को एकदम से थोड़ा अजीब लगा, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? उसे करण के रोशनी की सगाई के बारे में कैसे पता चला? ये सोचते हुए करण की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। करण ने उससे कहा, तुम्हें अपना करियर चेंज कर लेना चाहिए और न्यूज रिपोर्टर बन जाना चाहिए। हार मानते हुए दुखी चेहरे के साथ युग बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं किसके लिए ये सब कर रहा हूँ? धीरे से अपनी बात जारी रखते हुए उसने कहा, मैंने सुना है कि आजकल की लड़कियों को राहुल मेहरा जैसे डीसेंट और पढ़े लिखे लोग ज्यादा पसंद आ रहे हैं, तुम्हें संभल के रहना चाहिए, कहीं तुम्हारी संजना को कोई चुरा के ना ले जाए। उसकी आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, बस उतनी ही तेज थी कि करण और संजना दोनों को उसकी बात सुनाई दे जाए। संजना ने उसी वक्त युग को तीखी नजरों से देखा। तुम्हारी संजना से क्या मतलब है उसका? क्या बकवास कर रहा है ये युग? संजना के चेहरे पर असहमति के भाव देखकर करण ने उससे कहा, अब क्या तुम उसकी बात से सहमत हो? संजना ने बनावटी मुस्कान देकर कहा, चाहे जो भी हो, मैं किसी ऐसे इंसान को पसंद नहीं कर सकती जो इतना बेरुखा और एरोगेंट हो, बिल्कुल तुम्हारी तरह। करण ने रूखेपन से कहा, तो क्या तुमने भेड़ की खाल में भेड़िया या कैरेक्टरलेस जेंटलमैन के बारे में सुना है? हमेशा मुझे परेशान करता रहता है, आखिर वो चाहता क्या है? मुझे पहले कभी इस बात का एहसास क्यों नहीं हुआ कि उसकी जुबान कितनी जहरीली है, कि वो इतना बुरा आदमी है। संजना घर पहुंचने तक बड़बड़ाती रही। सोफे पर बैठते ही उसकी नजर करण के स्केच पर गई जो उसने बनाया था। पहले वो उसे फाड़ना भूल गई थी, बाद में उसे ऐसा करने का मन नहीं हुआ, लेकिन अब वो सोच रही थी कि उसे ये स्केच फेसबुक पर पोस्ट करना चाहिए था। उसने पहले खड़ूस अमीरजादे की तुनक मिजाज पत्नी के नाम से एक अकाउंट आईडी बनाया था। उसके अकाउंट में ज्यादा डिटेल्स नहीं थी, बस इतना ही था जैसे मैं उसकी प्यारी मिष्टी हूँ जिसकी मिठास उसकी मुस्कुराहट देखकर बरकरार रहती है। उसने लास्ट पोस्ट 2 साल पहले डाली थी, वो चला गया।
इन सिंपल शब्दों के साथ उसने एक आदमी औरत का स्केच भी पोस्ट किया था जो दो अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे। 2 साल पहले तक वो हमेशा इस अकाउंट के जरिए उसके स्केच पोस्ट किया करती थी। खड़ूस अमीरजादे की तुनक मिजाज पत्नी की छोटी छोटी पोस्ट बहुत क्यूट हुआ करती थी, इसीलिए उसके इस अकाउंट पर लगभग 50,000 फॉलोअर्स भी थे। वैसे उन पोस्ट पर ज्यादा कमेंट्स नहीं आते थे, लास्ट पोस्ट पर सबसे ज्यादा कमेंट्स थे। एक खड़ूस अमीरजादा चला गया, क्या वो विदेश पढ़ने के लिए गया है? कई बार लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का अंत ब्रेकअप होता है। बहुत टाइम से इस अकाउंट के मालिक ने कुछ पोस्ट नहीं किया, क्या उनका ब्रेकअप हो गया? इस पोस्ट पर हर तरह के कमेंट्स थे, लेकिन सब के सब 2 साल पहले के थे। संजना ने करण से मिलने के बाद ये अकाउंट खोला था। आखिर उस वक्त वो एक स्टूडेंट थी, इसीलिए वो ज्यादा फेसबुक इस्तेमाल नहीं करती थी। अपना असली नाम छुपाने के लिए उसने ये अकाउंट बनाया था। रात के टाइम ज्यादातर लोग फेसबुक पर एक्टिव रहते हैं, इसीलिए उसे ऑनलाइन देखकर उसके फॉलोवर्स को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे वाह, तुम वापस पोस्ट कर रही हो, क्या ये खड़ूस अमीरजादे के बारे में है? क्या आप लोग अभी भी साथ हो? मुझे तुमसे जलन हो रही है। संजना को समझ नहीं आ रहा था कि लोग इतने खुश क्यों हो रहे हैं। जैसे ही वो अकाउंट बंद करने लगी, एक नए कमेंट का नोटिफिकेशन आया। संजना ने जब उसे चेक किया तो वो बिल्कुल सिंपल कमेंट था, सिंगल स्माइली जो अपना पसीना पोंछ रहा है। लेकिन संजना को अकाउंट का नाम देखकर झटका सा लगा। अकाउंट का नाम था मुझे सिर्फ मिष्टी पसंद है। संजना ये नाम पढ़कर ऐसे चौंक गई जैसे उसके हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर गया हो। ये कोई नया अकाउंट नहीं था, लेकिन इस पर कोई पोस्ट भी नहीं थी, कोई फ्रेंड भी नहीं था और ना ही कोई फॉलोअर्स थे। कहीं ये वो तो नहीं? नो, ये नहीं हो सकता। उसके इस अकाउंट के बारे में कोई नहीं जानता था, करण भी नहीं। वैसे भी लोग फेसबुक पर पता नहीं किस किस नाम से अकाउंट बनाते हैं। जरूर किसी ने ऐसे ही अकाउंट का नाम मुझे सिर्फ मिष्टी पसंद है रखा होगा। संजना अपना अकाउंट चेंज करके मेन अकाउंट पर आ गई और उस पर भी एक पोस्ट डाली। यूनिवर्सिटी स्विमिंग कॉम्पिटिशन के फाइनल में पहुंच गई। मेन अकाउंट से ये उसकी दूसरी पोस्ट थी। शर्लिन के इंसिडेंट के बाद उसके फेसबुक पर हजारों फॉलोअर्स हो गए थे, इसीलिए बहुत से लोगों ने बधाई के कमेंट किए। जब उसे मुझे सिर्फ मिष्टी पसंद है का कमेंट नहीं दिखा तो उसने चैन की सांस ली, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस पोस्ट की वजह से आज उसकी नींद हराम होने वाली है। उसी वक्त उसकी डोरबेल बजी। इस वक्त कौन हो सकता है? करण? इस वक्त उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि काफी रात हो चुकी थी, इसलिए संजना ने दरवाजा खोलने से पहले पीप होल से चेक किया। बाहर मिस्टर युग जायसवाल खड़े थे, जो पता नहीं कैसे हर जगह पहुंच जाते हैं। जैसे उसे पता चला कि संजना उसे पीप होल से देख रही है, वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अब इसे क्या चाहिए? जैसे ही संजना दरवाजा खोलने लगी, उसे रियलाइज हुआ कि उसने नाइट सूट पहना हुआ था, इसीलिए उसने चिल्ला कर कहा, थोड़ा रुको। फिर उसने अपने कपड़े बदल कर दरवाजा खोला। युग को देखकर उसने पूछा, तुम्हें क्या काम है? करण लिफ्ट के पास दीवार के सहारे खड़ा हुआ था। कॉरिडोर में लाइट कम होने की वजह से उसके हाव भाव दिख नहीं रहे थे। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वो क्या सोच रहा है। युग ने जवाब दिया, प्यारी संजना, मैं तुम्हारी जीत की खुशी में तुम्हें ट्रीट देना चाहता हूँ। ट्रीट? तुम्हारी यूनिवर्सिटी स्विमिंग कॉम्पिटिशन के फाइनल्स में पहुंचने की खुशी में भाई। ये इसे कैसे पता चला? संजना सोच में पड़ गई। फिर उसे अपनी फेसबुक पोस्ट का ध्यान आया। फिर वो मुस्कुराकर बोली, थैंक यू, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी काफी देर हो चुकी है, मुझे कल प्रैक्टिस पर भी जाना है। अब ये मत समझो कि अगर तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ नहीं रहता तो उसे कुछ पता नहीं होगा। मुझे पता है कि तुमको कॉम्पिटिशन के बाद आराम करने के लिए एक दिन मिलता है, इसीलिए कल कोई प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन मुझे भूख नहीं है और मैं थक भी गई हूँ, मैं सोना चाहती हूँ। तुम कहीं इसलिए तो मना नहीं कर रही ताकि मुझे तुम्हारे अफेयर के बारे में ना पता चल जाए, है ना? युग की आंखों में शरारत साफ दिख रही थी। संजना ये सुनते ही गुस्से से बोली, कौन सा अफेयर? युग ने आगे कहा, नहीं जाने का क्या मतलब हुआ? नहीं जाने का मतलब यही हुआ कि तुमको छुपा रही हो। संजना ये सुनते ही चुप हो गई। लिफ्ट डोर खुलते ही, करण, तुम आओ चाहे मत आओ, तुम्हारी मर्जी,
वाले एटीट्यूड के साथ अंदर चला गया। युग ने संजना को जोर देते हुए कहा, जल्दी करो संजना। संजना के पास और कोई चारा नहीं था, इसीलिए उसने घर लॉक किया और उनके साथ चल दी। युग कार चला रहा था और करण उसके साथ बैठा था। संजना पीछे अकेले बैठने के बावजूद भी अकेली नहीं थी, क्योंकि युग लगातार उससे बातें किए जा रहा था। प्यारी संजना, हमें आज क्या खाना चाहिए? प्यारी संजना, क्या तुम इटालियन बारबेक्यू या हॉटपॉट खाना पसंद करोगी? संजना, क्या तुम ड्रिंक करती हो? क्या एक दो पैग लेना चाहोगी? करण ने चिढ़ के कहा, क्या तुम चुपचाप गाड़ी नहीं चला सकते? इसके बाद कहीं जाकर युग चुप हुआ। वे जल्दी एक फेमस रेस्टोरेंट में पहुंचे। उन तीनों ने अपने लिए एक प्राइवेट रूम बुक किया। खाना ऑर्डर करने के बाद बियर मंगवाई गई। जैसे ही युग ने संजना को बियर देना चाही, उसे करण ने तुरंत रोक दिया। उसने इशारे से कई बार करण से इसकी वजह पूछी, लेकिन करण ने उसे इग्नोर कर दिया। युग को विश्वास था कि करण इतना तो जानता है कि लोगों के बीच के रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए शराब एक अच्छा जरिया है। क्या वो संजना को जल्दी नहीं पटाना चाहता था? बारी बारी से संजना और करण को देखने के बाद युग ने संजना से मुस्कुराकर पूछा, संजना, क्या तुम्हारा कभी कोई बॉयफ्रेंड था? ये सुनते ही संजना को फंदा लगा। उसने तिरछी नजरों से करण की तरफ देखा। वो हमेशा ही शांत बैठा था। संजना ने चिढ़कर कहा, मुझे याद नहीं। युग हंसा, याद नहीं से क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें ये याद ना हो कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था या नहीं? तुम्हारी उम्र क्या है? कहीं तुम प्राइमरी स्कूल में तो रिलेशनशिप में नहीं रही? तुम्हारा रिलेशनशिप रहा होगा प्राइमरी स्कूल में, संजना धीरे से बुदबुदाई। करण जो आराम से बैठा हुआ था, अचानक उसने संजना की तरफ देखा। संजना ने धीरे से आगे कहा, मेरा एक था, लेकिन उस वक्त मैं छोटी थी और मुझे समझ नहीं थी। और वैसे भी ऐसा कौन है जो छोटी उम्र में धोखेबाज से ना मिला हो? इतना कहकर उसने करण की तरफ देखा, जैसे उससे लड़ना चाहती थी। उसके चेहरे पर बेपरवाही के एक्सप्रेशन थे, इसीलिए वो उसकी भावना नहीं समझ रही थी। संजना की बात सुनते ही युग हंसकर बोला, लगता है तुम और करण एक ही नाव पर सवार हो। संजना ने कंफ्यूज होकर पूछा, एक ही नाव पर सवार मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? युग ने धीरे से कहा, वो भी तुम्हारी तरह है, उसका पहला प्यार धोखेबाज निकला। संजना की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गई। उसने युग को शक की नजरों से देखा, क्या कहा इसने? करण का पहला प्यार धोखेबाज था? क्या वो मेरी तरफ इशारा कर रहा है? संजना ने मन में सोचा, अगर उसे पता ना होता कि करण की उससे पहले कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, तो वो पक्का सोचती कि युग किसी और लड़की के बारे में बात कर रहा है। संजना ने कंफ्यूज होकर करण की तरफ देखा। अभी भी वो ऐसे आराम से बैठा था जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। वो बहुत गुस्से में थी और करण से पूछना चाहती थी कि वो धोखेबाज कैसी थी। पास्ट में जब वो साथ में थे, उसने कब उसे नीचा दिखाया? वो बहुत पोजेसिव था, जो उसे अपने क्लास में किसी भी लड़के से बात नहीं करने देना चाहता था। उसने हमेशा उसकी हर बात मानी, सिवाय फिर भी उसने बिना कोई वजह बताए उसे ब्रेकअप कर लिया। अचानक संजना को ये सब सोचकर गुस्सा आने लगा, लेकिन वो किस पर अपना गुस्सा निकालती? फिर भी वो बेरुखी से बोले बिना नहीं रह पाई। जिस तरह का बिहेव मिस्टर करण ग्रोवर करते हैं, उसे देखकर तो लगता है कि उन्होंने दूसरों को धोखा दिया होगा। उसका मन कर रहा था कि पानी का ग्लास उठाकर करण पर उड़ेल दे, लेकिन अपना गुस्सा शांत करने के लिए वो सारा पानी पी गई। ऐसा करते हुए करण को घूरे जा रही थी, बदले में करण उसे बेपरवाही से देखे जा रहा था। युग ने तिरछी निगाहों से पहले संजना को देखा और फिर करण को। उसने उनके बीच की टेंशन को गलत समझ लिया, इस वजह से उसने हंसते हुए कहा, ये नहीं हो सकता, करण का पहला प्यार सच में धोखेबाज था। बदसूरत थी वो, और ऊपर से उसका कैरेक्टर भी खराब था। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि करण ने उसे पसंद किया था। इसके बाद वो पूरे टाइम करण की एक्स गर्लफ्रेंड की बुराई करता रहा। तब तक खाना भी सर्व हो गया था। संजना का चेहरा गुस्से से लाल था और वो युग को घूरे जा रही थी। उसने पूछा, क्या तुम उससे पहले मिले हो? नहीं,
क्या तुमने कभी जानने की कोशिश की कि उसका नेचर कैसा है? बिल्कुल नहीं। दोनों बातों के लिए नहीं, तो फिर तुमने क्यों कहा कि वो बदसूरत है और उसका कैरेक्टर खराब है? मेरा अंदाजा था, युग ने कहा, और मेरा अंदाजा ये है कि तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो, युग जायसवाल। करण, जो पूरे वक्त बस उनकी बातचीत सुन रहा था, अचानक हंस पड़ा। युग ये देखकर दंग था। हर बार जब भी वो करण की एक्स गर्लफ्रेंड की बात करता था, करण गुस्से में आग बबूला हो जाता था। वो उसके खिलाफ एक भी बुराई नहीं सुन सकता था। वो इसे बिहेव करता था जैसे युग उसका दुश्मन हो। लेकिन इस बार ना तो वो गुस्सा हुआ, बल्कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को बदसूरत बोलने पर भी वो हंस रहा था। करण, क्या तुम सच में हंस रहे हो? तुम्हारी बात में दम है। वो सच में बहुत बदसूरत थी, करण ने ये कहते हुए शरारती नजरों से संजना की तरफ देखा। तुमने मेरे घर पर वो बिल्ली देखी है ना, वो बिल्कुल उस बिल्ली के जैसी दिखती है। जैसे ही संजना ने करण की बात सुनी, वो जोर से चिल्लाई, इतनी प्यारी किटी अगली कैसे हुई? क्या तुम अंधे हो? करण ने उसे देखते हुए कहा, सिर्फ अगली नहीं, बेवकूफ भी है। संजना ने मुंह बनाया और करण को पूरी तरह से इग्नोर करने का फैसला करते हुए अपना खाना खाने लगी। युग ने सोचा शायद संजना को करण की एक्स गर्लफ्रेंड की बात करने से जलन हो रही है, इसीलिए वो खुश नहीं है। वो फिर संजना से बोला, संजना, वो एक्स गर्लफ्रेंड पास्ट की एक बुरी याद से ज्यादा और कुछ नहीं थी। करण के दिल में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है, बस वो उसे नफरत बहुत करता है। इस वक्त बस वो, इतना कहकर उसने संजना को आंख मारी। उसके इशारे का मतलब था कि अब बस वो तुम्हें प्यार करता है। लेकिन ये सुनकर संजना का गुस्सा और बढ़ गया और वो बोली, बिल्कुल ठीक कहा, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की तरह मेरा बॉयफ्रेंड भी पास्ट की एक बुरी याद से ज्यादा और कुछ नहीं है। मेरे भी अंदर उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, सब खत्म हो चुकी है बहुत पहले। बस मैं उससे नफरत करती हूँ और उससे जल्दी से जल्दी बहुत दूर जाना चाहती हूँ। युग ने खुशी से ताली बजाते हुए कहा, बहुत बढ़िया फैसला किया, तुम दोनों को ऐसा ही सोचना चाहिए। तुम दोनों को अपने एक्सेस को भूल जाना चाहिए और एक दूसरे के साथ आगे मूव ऑन करना चाहिए। उसने पहले सोचा था कि दोनों उसकी स्पीच सुनकर खुशी से ताली बजाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से दोनों उसे गुस्से से घूर रहे थे। मैंने क्या गलत कहा? युग ने संजना को देखा, जो अपना मुंह मोड़कर खाना खाने लगी थी। इतना ही नहीं, उसने सिर्फ सबसे महंगी डिशेस खाई और उसके बाद और महंगी डिशेस ऑर्डर की थी। फिर उसने करण की तरफ देखा, जो सर नीचे करके अपनी बियर पी रहा था, और ऑफ कोर्स वो सबसे महंगी वाली पी रहा था, और उसने भी पीने के बाद एक महंगी बियर ऑर्डर की थी। बिल देखते ही युग के होश उड़ गए, उन दोनों ने उनको अच्छा खासा चूना लगा दिया था। हालांकि उसे इतने बिल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि दोनों लड़कों ने काफी ज्यादा पी ली थी, इसीलिए उन्हें ड्राइवर बुलाना पड़ा। कार युग की थी, इसीलिए पहले उसे संजना और करण को घर ड्रॉप करना था। जैसे ही कार उनकी सोसाइटी में रुकी, युग ने करण को सहारा देकर उतारा और फिर संजना को संभालने के लिए दे दिया और बोला, इसका अच्छे से ध्यान रखना। फिर वो तुरंत कार में बैठ गया। तुम मजाक कर रहे हो युग? संजना उसे वापस बुला भी ना पाई और कार चली गई। और सच में करण मदहोश था और वो संजना का सहारा लेकर खड़ा था। ठीक से खड़े रहो, संजना ने उसे धक्का दिया। लेकिन करण दूर जाने के बजाय पूरी तरह से संजना पर लिपट गया और उसके शरीर के वजन से संजना पास की दीवार से चिपक गई। उसका चेहरा करण के शरीर और दीवार के बीच दबा हुआ था। तुम मुझे दबा रहे हो करण, संजना उसे धक्का देने की कोशिश करती रही, लेकिन फिर भी उसे पीछे नहीं कर पाई। आदमियों का वजन ज्यादा होता है और वो बस उसे सहारे से पकड़कर ऊपर लेकर जा सकती थी। कितना भारी है, क्या खाकर इतनी बॉडी बनाई है इसने? ओह, कितना भारी है, जब होश नहीं रहता तो इतना क्यों पी लेता है? सच, द ग्रेट युग जायसवाल की ट्रीट करना भारी पड़ गया मुझे। उसकी शराबी को मेरे साथ छोड़ने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे गुस्सा आ रहा है। जब तक संजना करण को लेकर उसके कमरे तक पहुंची, उसके पूरे शरीर में दर्द होने लगा था। जब उसने करण को बेड पर लेटाया, तो उसने अपने साथ संजना को भी बेड पर खींच लिया। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह से करण ने उसे कमर से पकड़ लिया था। संजना उठना चाहती थी, लेकिन वो हिल भी नहीं पा रही थी। करण ने उसे कस के पकड़ के रखा था।
ओए छोड़ो मुझे, ऐसा कहकर उसने करण को धकेला, लेकिन वो एक इंच भी नहीं हिल पाई। संजना, जिसने शराब की एक बूंद भी नहीं पी थी, उसका सर दर्द से फटा जा रहा था और वो जोर से चिल्लाई, करण। तेज आवाज की वजह से करण आखिरकार होश में आ गया। धीरे से उसने अपनी आंखें खोलते हुए संजना को ऐसे देखा जैसे वो कहीं खोया हुआ हो। उस वक्त दोनों के बीच दूरी बहुत कम थी, जिसकी वजह से उनकी सांसें एक दूसरे की सांसों में मिल रही थी। करण नशे में था, इसीलिए संजना उसके इतने करीब आने से थोड़ा घबरा रही थी। वो दूर होना चाहती थी, लेकिन करण ने अपने हाथ से उसके सर को पीछे से इतनी जोर से दबा रखा था कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। संजना को करण की तेज धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। उसका शरीर एकदम गर्म था और गर्मी संजना के शरीर में भी जा रही थी, जिसे ऐसा लग रहा था कि वो संजना को पिघलाकर अपने अंदर समा लेना चाहता हो। संजना का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि वो पागल हो जाएगी। करण, अब जब तुम उठ ही गए हो तो मुझे छोड़ो और जाने दो। छोड़ दो, मुझे पानी पीना है, बुदबुदाते हुए उसने अपने होंठ संजना के नरम होंठों से लगा दिए। उसने संजना के होंठों को बिल्कुल सील कर दिया था और उसे धीरे धीरे किस करने लगा, इस तरह जैसे कि वो रेगिस्तान में भटका हुआ कोई प्यासा हो जिसे पानी मिल गया हो। संजना इतनी दंग रह गई थी कि वो उसको रोकना भी भूल गई। जब उसके लिए किस किए जाने की वजह से सांस लेना मुश्किल हो गया था, तब जाकर उसने हाथ पैर मारना और करण को धक्का देना चालू किया। उसने मन में कहा, अगर तुम्हें इतनी ही प्यास लगी थी तो जाके पानी पियो, मेरा मुंह कोई पानी की बोतल तो नहीं। करण के बहुत ताकतवर होने की वजह से उसके सीने को धक्का देने के बावजूद भी उसे वो दूर नहीं कर पा रही थी। वो सिर्फ अपने पैर ही हिला पा रही थी, लेकिन तभी करण ने अपने पैर उठाए, संजना के पैरों को कस के ऐसे दबा दिया कि अब वो हिल भी नहीं पा रही थी। एक हल्के से झटके के साथ दोनों एक साथ पलंग पर गिर गए। संजना की धड़कनें तेज हो गई थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने फिर मन में सोचा, वो बेरुखा सा दूर दूर रहने वाला आदमी अब कहाँ चला गया? शराब पीते ही इसमें इतना चेंज कैसे आ सकता है कि एक ही सेकंड में नफरत के बदले इतना प्यार उमड़ने लगे? करण का किस धीरे धीरे और ज्यादा पैशनेट हो गया और संजना की कमर पर उसके हाथों की पकड़ और टाइट होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे अपने अंदर समा लेना चाहता हो। घबराहट और शर्मिंदगी से संजना का दिल जैसे उसके मुंह में आ गया था, लेकिन इस लंबे और ताकतवर आदमी ने तो उसे ऐसे जकड़ के रखा था कि वो उसकी पकड़ से अपने आप को छुड़ा ही नहीं पा रही थी। बुरी तरह से शर्मिंदगी महसूस करते हुए उसने करण को रोने जैसी आवाज में कहा, करण मुझे छोड़ दो प्लीज। लेकिन वो नहीं रुका। करण तुम पागल हो गए हो, होश में आओ, तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। मुझे छोड़ दो और मैं समझूंगी कि कुछ नहीं हुआ। तुम ऐसा मत करो और ऐसा मत समझो कि नशे में हो तो कुछ भी। जैसे ही संजना को लगा कि वो उसके साथ कुछ करने वाला है, करण एकदम से रुक गया, लेकिन उसने उसे अपने सीने से लगा के रखा था, ये सोचकर कि थोड़ी सी हलचल से भी कहीं करण दोबारा शुरू ना हो जाए। संजना हिली भी नहीं। काफी देर के बाद उसे लगा कि करण अभी भी उसी पोजीशन में है। क्या ये सच में सो गया है, उसने सोचा। कुछ सेकंड वेट करने के बाद उसने धीरे से कहा, करण। कोई रिएक्शन नहीं आया। ऐसा लगा वो गहरी नींद में है। संजना ने चैन की सांस ली और उसने अपने आप को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की। करण की पकड़ से अपने आप को छुड़ा ना पाने की वजह से संजना को गुस्सा आ गया था और वो बोली, जल्दी से मुझे छोड़ो और मुझे जाने दो बेवकूफ करण। लेकिन अभी भी कोई रिएक्शन नहीं आया। क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करते हो? फिर मुझे गले लगाना तुम्हें खराब नहीं लगा? अभी भी कोई रिएक्शन नहीं आया। तुमने तो मुझे अगली कहा था ना, क्या अब तुम्हें डर नहीं लग रहा कि ऐसी बदसूरत लड़की को हक करने से तुम्हें बुरे सपने आएंगे? संजना ने जो भी कहा उसे अपना सिर्फ एक ही जवाब मिला, खामोशी। सिर्फ कान फाड़ देने वाली खामोशी। पलंग पर लेटा आदमी शांति से अपनी आंखें बंद करके सो रहा था। कमरे की धीमी रोशनी में वो बेहद ही खूबसूरत लग रहा था। करण नशे की हालत में गहरी नींद में जा चुका था, इसीलिए संजना के कुछ भी बोलने पर वो हिला भी नहीं।
उसकी नजरें करण के चेहरे पर जमी हुई थी। पहले तो संजना को बहुत गुस्सा आ रहा था जो उसकी आंखों में साफ झलक रहा था, जिससे ऐसा लग रहा था कि वो करण का खून ही कर देगी। लेकिन किसी से कोई कितनी देर तक नाराज रह सकता है, इसीलिए उसने थोड़ी देर के बाद अपनी आंखें बंद कर ली। उसका रिएक्शन चाहे जो भी हो, करण को तो दिखने वाला नहीं था, इसीलिए उसने अपने आप को नाराज होकर और ज्यादा परेशान करना ठीक नहीं समझा। उसके बाद थकान की वजह से वो भी धीरे धीरे नींद के आगोश में चली गई। रात काफी हो चली थी जब गहरी नींद में सो रहे करण ने एकदम से अपनी आंख खोली। उसने तिरछी नजरों से संजना को देखा, फिर धीरे से अपनी उंगली से दो बार उसके गालों को पोक किया। ये जान लेने के बाद कि संजना अभी भी उसकी बाहों में सो रही है, वो अपनी आंखें बंद करके सो गया। जब सुबह हुई तो नींद में हिलते हुए संजना को लगा कि उसका शरीर काफी गर्म है। जब किसी को नींद में गर्मी लगती है तो नींद में उसका रिएक्शन होता है कंबल या चादर जो भी उसने ओढ़ रखा है उसे लात मारकर हटा देना। लेकिन उसने महसूस किया कि वो तो हिल भी नहीं पा रही थी। ये ऐसा था जैसे उसे कस कर बांध रखा हो। उसका शरीर और ज्यादा गर्म होता चला गया, जैसे वो किसी आग के गोले से चिपक कर सो रही हो। क्या हो रहा है ये, सोचते हुए संजना ने धीरे से अपनी आंखें खोली। तभी उसकी नजर एक आदमी के चेहरे पर पड़ी जो बहुत ही चार्मिंग और सुंदर था, और उसी के साथ उसका दिल डर और आश्चर्य से भर गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसका सर फट जाएगा। करण मेरे बेड पर क्यों है, उसने सोचा। यही नहीं, उसके हाथ संजना की कमर को पकड़े हुए थे और संजना के पैर उसके पैरों के नीचे थे। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों को बिना किसी गैप के मिला दिया गया हो। संजना के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। हमने कल रात क्या किया, उसने सोचा। नहीं, ये सही नहीं है, ये मेरा बेड नहीं है। कल रात करण ने कुछ ज्यादा ही पी ली थी और मैंने उसकी घर तक पहुंचने में मदद की थी, और फिर वो मुझे इतना जोर से पकड़ के सो गया था कि मैं वापस जा नहीं पाई। इसी वजह से पूरी रात मैंने उसके साथ बिताई। संजना अभी अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी करण भी हिला और जाग गया। करण के एकदम से जागने की वजह से संजना सकपक आ गई, लेकिन उसकी आंखें ऐसी लगी जैसे वो रिलैक्स्ड हो और आलस से भरी हो। जैसे ही करण जागा, उसे भी समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। तभी उसने एक झटके से संजना को ऐसे छोड़ दिया जैसे वो किसी सपने से जागा हो और एकदम से उठ के बैठ गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? फाइनली संजना को आजादी मिल गई। उसने जल्दी से उठकर बैठते हुए कहा, तुमने कल रात कुछ ज्यादा पी ली थी, मैं तुम्हें घर तक लेकर आई, लेकिन तुमने मुझे अपनी बाहों में इतना कस के जकड़ के रखा था कि मैं यहाँ से जा ही नहीं पाई। करण को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने बोलना चाहा, क्या फिर? ये सोचकर कि उसको कुछ गलतफहमी हो जाएगी, संजना ने जल्दी से अपना हाथ हिलाकर कहा, नहीं कुछ नहीं हुआ, तुम तो नशे में थे। करण ने कुछ सोचते हुए संजना को देखा और कहा, मैं नशे में था लेकिन तुम नहीं। संजना चौंक कर बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? करण ने जवाब दिया, मेरा ये मतलब है कि तुमने कल रात मेरे साथ क्या किया